मॉर्निंग सभी को। तो देखिए अभी हो चुकी है सुबह, तो हमने लगा ली मेहंदी, रात को मेहंदी लगाई थी हमने। तो देखिए इस हाथ पे भी, तो देख बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी दोनों हाथों पे। और लगाई थी मेहंदी, इसने लगाई थी इस हाथ पे और इसने लगाई थी इस हाथ पे। तो ये दोनों ने मेरे दोनों हाथ कंप्लीट करे हैं। और देखिए मेरा चेहरा कैसा हो चुका है, अभी हम नहाए नहीं है, अभी नहाएंगे, उसके बाद में होगी करवा चौथ की तैयारी। और मुझे जुकाम हो चुका है, मेरी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है तो इस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखो, ये मैं करवा चौथ का व्रत रखा है, ये दिखा दिखा के और चावल और खा रही है मुझे, ठीक है, पर नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, ठीक है। तो चलिए फिर हम तैयारी दिखाएंगे आपको क्या क्या किया हमने, तो देखना आप, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दी कर। अरे कहना क्या चाहते हो, कर दिया करो। तो गाइस देखिए अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब चल रही है पूजा की तैयारी। तो ये नीलू गौर बना रही है जो उससे पार्वती, और ये मैंने महावर लगाया है, और महावर मैंने जल्दी जल्दी लगा रही थी क्योंकि शाम हो गई थी, तो नहा तो मैं जल्दी ली थी पर महावर वो खाना पीने की तैयारी हो रही थी, तो इस वजह से मैंने उसका ब्लॉग नहीं लिया। फिर मैंने शाम को 6 बजे अपनी तैयारी करना शुरू करा था। तो देखिए अब मैंने अभी कुछ नहीं किया था, तो मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चोटी, और ये हो चुकी मैं रेडी बिल्कुल। और मैंने साड़ी नहीं चेंज करी थी, उसी साड़ी को पहन के रखा था मैंने, क्योंकि नहा करके यही साड़ी पहनी थी, ये भी नई साड़ी थी क्योंकि 2-3 बार ही पहनी है मैंने और ज़्यादा नहीं पहनी। तो ये देखिए ये पूजा की भी ही चौकी लगा दी, और इसे भी मैं तैयारी करके रख दूँगी पूजा करने के लिए। तो ये मैं चौक बना रही थी चावल का, हमारे यहाँ चावल का ही चौक बनाया जाता है, तो चावल का चौक बना रही थी मैं, और इस पे दीपक लगाया जाएगा, नीचे चौक रखा जाता है। और हमारे यहाँ ऐसी ही पूजा होती है सिंपल तरीके से, गौर बनाई है और माता का वो है, और ये मंसने का सामान रखा है मैंने, और ये पूजा मेरी हो चुकी है कंप्लीट। तो देखिए अब हम जाएंगे ऊपर, और ये मैं तैयार होकर बैठी थी पूजा पाठ करके बैठी थी। देखिए पूजा हो चुकी मेरी, और अब हम चांद देखने जाएंगे, चांद तो अभी निकला ही नहीं, तो चांद देखने जाएंगे, चलो तो चलते हैं हम ऊपर। तो इनको भी मैंने साथ में ले लिया था, मैं चलो तुम भी मेरी हेल्प करा दो, तो ये गए थे मेरे साथ, और ये कैसे जा रहे थे लेके लोटे को। तो हम जा रहे हैं छत पर चांद देखने के लिए। हेलो गाइस, तो देखिए हम आ चुके हैं छत पर, और अभी चांद नहीं निकला है, तो देखिए अभी चांद का इंतजार हो रहा है, अभी चांद नहीं निकला है। वैसे तो घरों घरों में सबरे चांद निकले, पर अभी चांद नहीं निकला है, ठीक है, चांद निकलेगा तो पूजा की वीडियो जरूर अब बनाएगा तो बना तो सही। हेलो गाइस, देखिए हमारे छत पे आ रहा है अंधेरा, तो उसके लिए लाइट की व्यवस्था करी जा रही है तो लाइट कुछ नहीं है, यहाँ पर लगाया जा रहा है मोबाइल, तो ठीक है अभी लाइट की व्यवस्था करी, जब भी आपको चांद भी दिखेगा और हम भी दिखेंगे। अब होगी इनकी पूजा, और चांद निकलाया है फाइनली, अब चांद देखने के लिए चांद निकल आया है, चांद को देख के इनको देखा और पूजा करी। और कुछ हमने शॉर्ट बनाए थे अपने वीडियो के लिए, जो रील बनाई थी, तो वो एक आधी बनाई थी वो आपको देखने को मिलेगी, और कुछ तो अभी एडिट ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपको लेट देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना ज़रूर, और देखना कि हमारे यहाँ ऐसे ही सीधी सादी पूजा होती है, सादा सिंपल सी, कोई ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये पूजा हो रही थी, हम पूजा कर रहे थे, और इनको बोल रहे थे कि थोड़े हंस तो जाओ, तो हंसी तो नहीं आ रही थी, फिर ज़बरदस्ती हंसाया गया था ज़बरदस्ती हंसा रहे थे, तो इन्हें अपनी रील बनाने की पड़ रही थी। तो ये देखिए अब इन्होंने मेरा व्रत खोल दिया, और व्रत खोल के पानी पीने की हो रही थी कि पानी पी लो अब जाके, खाना पीना कुछ नहीं, खाने का मन कर रहा था, पानी पीने का मन कर रहा था, ये बोल रहे थे और पी ले और पी ले, मैं चलो ठीक है। तो इतना ही, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो इनको जल्दी पड़ी हुई थी कि जल्दी जल्दी लो व्रत खोलो खाओ जल्दी, तो मैंने कहा चलो ये रसगुल्ला था उसमें चाशनी गिर रही थी, तो मुझे नहीं, तो फिर मैं गई थी नीचे,
अपनी सासू माँ को सारा सामान देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सासू माँ को ही दिया जाता है, और अगर सासू माँ नहीं होती हैं तो किसी भी सुहागिन मतलब ननद को और किसी को भी दे सकते हैं। तो मैं नीचे गई थी, ये हमारा नीचे दुकान है, ये देखिए दुकान भी दिख रही होगी, और ये मेरे ससुर जी हैं। हैं तो हमारे यहाँ पर्दा होता है, पर्दे में ही रहते हैं हम, तो ये देखिए इन्होंने भी साथ में। तो अब हो चुका है हमारा खाना पीना हो रहा है, तो ये देखिए हम खाना, ये भाभी के यहाँ से टिफ़न आया था। आप बोले होंगे टिफ़न में खाना क्यों खा रहे हैं, तो ये भाभी के यहाँ से, मेरी भाभी यहीं पे रहती हैं, मेरा परिवार ही पूरा रहता है यहाँ पर, तो वहाँ से ही ये खाना आया था। तो मैं और नीलू रह गए थे, तो ये हम खा रहे थे खाना। आप भी यही थी कि खाना खा लीजिए आप सभी, और खाना खा के हम हो चुके रेडी। तो अभी 9:30 बज रहे थे, तो ये गजरा वजरा मेरा निकाल रही थी, तो अब हम तैयारी कर रहे हैं सोने जाने की। तो अब सोने जाएंगे अब हम, और देखिए तो राधे राधे बाय बाय। अभी ब्लॉग का एंड होएगा यहीं पर, और आप ऐसे ही वीडियो हमारी रहिए, और वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक एंड सब। तो ये देखिए बोट मांग रहे हैं, इनको बोट दे देना ज़रूर, ठीक है।